अक्षरधाम का निर्माण हो रहा था तो उनके आशीर्वाद से मैं सैलान्य इस कार्यक्रम में था तब तो मैं राजनीति में भी कुछ नहीं था और उस दिन मैंने कहा था कि गुरु कि हम बहुत तारीफ तो करते रहते हैं लेकिन कभी सोचा है कि किसी गुरु ने कहा कि यमुना के तट पर अपना भी कोई स्थान हो और शिष्य रूपी प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने गुरु की उस इच्छा को परिपूर्ण कर दिया था आज मैं भी उसी एक शिष्य भाव से यहाँ आपके सामने उपस्थित कि आज प्रमुख स्वामी महाराज का सपना हम पूरा कर पाए हैं आज बसंत पंचमी का पवित्र त्यौहार भी है पूज्य शास्त्री जी महाराज की जन्म जयंती भी है ये वसंत पंचमी ये पर्व मां सरस्वती का पर्व है मां सरस्वती यानी बुद्धि और विवेक की मानवीय प्रज्ञा और चेतना की देवी ये देव मानवीय प्रज्ञा ही है जिसने हमें सहयोग सामंजस्य समन्वय और सौहार्द जैसे आदर्शों को जीवन में उतारने की समझ दी है मुझे आशा है कि मंदिर भी मानवता के लिए बेहतर भविष्य के लिए बसंत का स्वागत करेगा मंदिर पूरी दुनिया के लिए सांप्रदायिक सौहार्द और वैश्विक एकता का प्रतीक बनेगा भाइयों और बहनों यूए के मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस इज एक्सलेंसी शेख नायान अल मुबारक यहां विशेष तौर पर उपस्थित हैं। और उन्होंने भाव भी जो व्यक्त किए जो बातें हमारे सामने रखी वह हमारे उन सपनों को मजबूत करने का उनके शब्द में उन्होंने वर्णन किया है मैं उनका आभारी हूं साथ में इस मंदिर के निर्माण में यूएई की सरकार की जो भूमिका रही उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है लेकिन इस भव्य मंदिर का स्वप्न साकार करने में अगर सबसे बड़ा सहयोग किसी का है तो मेरे ब्रदर ही हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का है मुझे पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ यू की पूरी गवर्नमेंट ने कितने बड़े दिल से करोड़ों भारतवासियों की इच्छा को पूरा किया है और इन्होंने सब सिर्फ यहां नहीं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल को जीत लिया मैं इस मंदिर के विचार से लेकर एक प्रकार से प्रमुख स्वामी जी के स्वप्न से लेकर के स्वप्न बाद में विचार में परिवर्तित हुआ यानी विचार से लेकर इसके साकार होने तक पूरी यात्रा में इससे जुड़ा रहा हूं ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है इसलिए मैं जानता हूं कि हिज हायने शेख मोहम्मद बिन जायद की उदारता के लिए धन्यवाद ये शब्द भी बहुत छोटा लगता है इतना बड़ा उन्होंने काम किया मैं चाहता हूं उनके इस व्यक्तित्व को भारत यूएई ही रिश्तों की गहराई को केवल यूएई और भारत के लोग ही नहीं बल्कि पूरा विश्व भी जाने मुझे याद है जब मैं 2015 में यूएई में यहाँ आया था और तब मैंने यही शेख मोहम्मद से इस मंदिर के विचार पर चर्चा की थी मैंने भारत के लोगों की इच्छा उनके सामने रखी तो उन्होंने पलक झपकते ही उसी पल मेरे प्रस्ताव के लिए हां कर दिया उन्होंने मंदिर के लिए बहुत कम समय में इतनी बड़ी जमीन भी उपलब्ध करवाई यही नहीं मंदिर से जुड़े एक और विषय का समाधान किया मैं साल 2018 में जब दोबारा यू आया था या संतों ने मुझे जिसका ब्रह्मवेरी स्वामी जी ने अभी वर्णन किया मंदिर के दो मॉडल दिखाए एक मॉडल भारत की प्राचीन वैदिक शैली पर आधारित भव्य मंदिर का था जो हम देख रहे हैं दूसरा एक सामान्य सा मॉडल था जिसमें बाहर से कोई हिंदू धार्मिक चिन्ह नहीं थे संतों ने मुझे कहा कि यही कि सरकार जिस मॉडल को स्वीकार करेगी उसी पर आगे काम होगा जब यह सवाल हिजहाने शेख मोहम्मद के पास गया तो उनकी सोच साफ एकदम साफ थी उनका कहना था कि अबू धाबी में जो मंदिर बने वो अपने पूरे वैभव और गौरव के साथ बने वे चाहते थे कि यहां सिर्फ मंदिर बने ही नहीं बल्कि वो मंदिर जैसा दिखे भी साथ में छोटी बात नहीं है बहुत बड़ी बात है यहां सिर्फ मंदिर बने ही नहीं लेकिन वो मंदिर जैसा दिखे भी भारत से बंधुत्व की ये भावना वाकई हमारी बहुत बड़ी पूंजी है हम इस मंदिर के में जो भव्यता दिख रही है उसमें हिजहानेस शेख मोहम्मद की विशाल सोच की भी झलक है अब तक जो यही बुर्ज खलीफा फ्यूचर म्यूजियम शेख जायद मस्जिद और दूसरी हाईटेक बिल्डिंग के लिए जाना जाता था अब उसकी पहचान में एक और सांस्कृतिक अध्याय जुड़ गया मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे इससे ये ही आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी और पीपल टू पीपल कनेक्ट भी बढ़ेगा मैं पूरे भारत और विश्व भर में रहने वाले करोड़ों भारतवासियों की ओर से हिज हिजहा शेख मोहम्मद को और ये ही सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं आप सब से प्रार्थना करता हूँ हम सब यूएई के प्रेसिडेंट को यहाँ से स्टैंडिंग ऑविशन दें धन्यवाद मैं यूए के लोगों का भी उनके सहयोग के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं साथियों भारत और यूए की दोस्ती को आज पूरी दुनिया में आपसी विश्वास और सहयोग के एक उदाहरण के रूप में देखा जाता है खासकर बीते वर्षों में हमारे संबंधों ने एक नई ऊंचाई हासिल की है लेकिन भारत अपने इन रिश्तों को केवल वर्तमान संदर्भ में ही नहीं देखता हमारे लिए इन रिश्तों की जड़ें हजारों साल पुरानी है अरब जगत सैकड़ों वर्ष पहले भारत और यूरोप के बीच व्यापार में एक ब्रिज की भूमिका निभाता था मैं जिस गुजरात से आता हूं, वहां के व्यापारियों के लिए हमारे पूर्वजों के लिए तो अरब जगत व्यापारिक रिश्तों का प्रमुख केंद्र होता था सभ्यताओं के इस समागम से ही नई संभावनाओं का जन्म होता है इसी संगम से कला साहित्य और संस्कृति की नई धाराएं निकलती है इसलिए अबू धाबी में बना ये भव्य मंदिर इसलिए इतना महत्वपूर्ण है इस मंदिर ने हमारे प्राचीन रिश्तों में नई सांस्कृतिक ऊर्जा भर दी है साथियों अबू धाबी का ये विशाल मंदिर केवल एक उपासना स्थली नहीं है ये मानवता की सांझी विरासत का शेयर हेरिटेज का प्रतीक है ये भारत और अरब के लोगों के आपसी प्रेम का भी प्रतीक है इसमें भारत यूएई के रिश्तों का एक आध्यात्मिक प्रतिबिंब भी है इस अद्भुत निर्माण के लिए मैं बी संस्था और उनके सदस्यों की सराहना करता हूं भक्तों की सराहना करता हूं बी संस्था के लोगों द्वारा हमारे पूज्य संतों के द्वारा पूरे विश्व में मंदिर बनाए गए हैं इन मंदिरों में जितना ध्यान वैदिक बारीकियों का रखा जाता है उतनी ही आधुनिकता भी उसमें झलकती है कठोर प्राचीन नियमों का पालन करते हुए आप आधुनिक जगत से कैसे जुड़ सकते हैं स्वामीनारायण संन्यास परंपरा इसका उदाहरण है आपका प्रबंध कौशल व्यवस्था संचालन और उसके साथ